हाय गाइस, वेलकम टू HPIT Infotech सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन नेटवर्क में कैसे हम वेबसाइट्स को ब्लॉक करते हैं यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक करते हैं और बाकी सारी वेबसाइट्स का हमारे नेटवर्क में एक्सेस अलाउ होगा, और दूसरा जिसमें हम केवल कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स को अपने नेटवर्क में एक्सेस अलाउ करेंगे और बाकी सारी वेबसाइट्स का एक्सेस हमारे नेटवर्क में ब्लॉक रहेगा। और फॉर सिक्योरिटी कंसर्न सेकंड सिनेरियो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसमें हम केवल रिक्वायर्ड वेबसाइट्स को ही अपने नेटवर्क में एक्सेस अलाउ करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दोनों सिनेरियोज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा सो दैट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इन पॉलिसीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जिसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी सर्वर मशीन पे। सो ये है हमारी सर्वर मशीन, जो कि एक डोमेन कंट्रोलर है और जिसमें हम ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहाँ पे लेते हैं हम फर्स्ट सिनेरियो, जिसमें हम किन्हीं स्पेसिफिक वेबसाइट्स का एक्सेस अपने नेटवर्क में ब्लॉक करते हैं, और यहाँ पे हम अपने डोमेन नेटवर्क में Facebook.com वेबसाइट्स का एक्सेस ब्लॉक करेंगे। लेकिन ब्लॉक करने से पहले एक बार हम अपने क्लाइंट सिस्टम पे लॉगिन करके वेरीफाई कर लेते हैं कि अभी हमारे सिस्टम में Facebook.com एक्सेस हो रहा है। सो ये है हमारा Windows 10 क्लाइंट सिस्टम। सो इसमें हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र। सो अब यहाँ पे हम एक बार Facebook.com एक्सेस करके देखते हैं। तो अभी हमारे क्लाइंट सिस्टम में Facebook.com एक्सेस हो रहा है। अब सपोज़ यहाँ पे हम कुछ और वेबसाइट्स को भी एक्सेस करके देख लेते हैं। सपोज़ HPITInfotech.com, तो ये वेबसाइट भी हमारी एक्सेस हो रही है। RiseData.co.uk भी एक्सेस हो रही है। अब यहाँ पे मैं इन वेबसाइट्स को एक्सेस करके इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज Facebook.com को ब्लॉक करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे कि Facebook.com हमारा एक्सेस नहीं होगा, जबकि अदर वेबसाइट्स को हम अपने नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं। सो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं हम अपनी सर्वर मशीन पे। अब ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करेंगे एंड देन हम अपने कंप्यूटर अकाउंट्स को ऐड करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में। अब क्योंकि यूज़र अकाउंट्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स पे डायरेक्टली ग्रुप पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, बिकॉज डोमेन लेवल और डोमेन कंट्रोलर लेवल के अलावा ग्रुप पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट लेवल पे। सो इसीलिए अगर किसी यूज़र अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट्स के लिए हमें ग्रुप पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है तो पहले हम उन अकाउंट्स को किसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में ऐड करते हैं, देन उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ग्रुप पॉलिसी। सो इसीलिए यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर अकाउंट्स को ऐड करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में। सो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और OU क्रिएट करने के लिए गो टू टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, राइट क्लिक ऑन डोमेन नेम, जो कि यहाँ पे है HPIT.com, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब सपोज इसको हम नेम दे देते हैं वेबसाइट एंड क्लिक ऑन ओके। सो वेबसाइट नेम से हमारा एक OU क्रिएट हो गया है। नाउ क्लिक ऑन कंप्यूटर्स, जहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे डोमेन नेटवर्क के कंप्यूटर अकाउंट्स। सो यहाँ पे हमारा एक क्लाइंट सिस्टम है PC1। सो PC1 को हम ऐड कर देते हैं वेबसाइट OU में। सो राइट क्लिक ऑन इट, मूव एंड सेलेक्ट वेबसाइट OU एंड ओके, क्लिक ऑन वेबसाइट OU। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं PC1 हमारा इस OU में ऐड हो गया है। सो अब हम इस OU के लिए ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए गो टू टूल्स एंड सेलेक्ट ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, एक्सपेंड फॉरेस्ट, एक्सपेंड डोमेन्स एंड एक्सपेंड HPIT.com। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंड करें ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी एंड डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी। एंड हमेशा प्रेफर किया जाता है कि हम डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ को चेंज ना करें। सो इसीलिए जब भी हमें कोई ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है तो हम एक न्यू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस GPO को लिंक करते हैं रेस्पेक्टिव OU के साथ। अब इसका मेन एडवांटेज ये है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल GPOs क्रिएट कर सकते हैं, और जब भी हमें किसी GPO में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो हम उसी स्पेसिफिक GPO पे मॉडिफिकेशन करते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को ईजी करते हैं। और ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम चाहें तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स पे राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शन से एक नया जीपीओ क्रिएट कर सकते हैं और जिस ओयू के लिए हमें ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो राइट क्लिक ऑन दैट and select create a GPO in this domain and link it here. GPO name suppose हम दे देते हैं block FB, okay. तो यहाँ पे हमारा block FB के नाम से एक GPO create हो गया है जिसको हमने link किया है website OU के साथ. Now right click on block FB GPO and select edit. Under computer configuration expand policies, expand Windows settings, expand security settings और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है Windows Defender Firewall with Advanced Security. So expand it, expand Windows Defender Firewall with Advanced Security LDAP and यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं Inbound Rules, Outbound Rules and Connection Security Rules. अब क्योंकि यहाँ पे हम अपने नेटवर्क में Facebook.com का एक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं, सो इसीलिए यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे आउटबाउंड रूल. सो राइट क्लिक ऑन आउटबाउंड रूल्स एंड सेलेक्ट न्यू रूल. रूल टाइप में यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं लाइक रूल्स फॉर प्रोग्राम, पोर्ट, एनी प्री डिफाइंड सर्विस एंड कस्टम. सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम, देन नेक्स्ट. प्रोग्राम में कंटिन्यू विथ ऑल प्रोग्राम्स, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स ऑप्शन में अभी हम किसी भी प्रोटोकॉल और पोर्ट्स के लिए रूल डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सो वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. स्कोप विजर्ड, अब स्कोप विजर्ड में हम रूल क्रिएट करेंगे. स्पेसिफाई द लोकल एंड रिमोट आईपी एड्रेस टू विच दिस रूल अप्लाइज. सो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं विच लोकल आईपी एड्रेसेस डज दिस रूल अप्लाई टू एंड विच रिमोट आईपी एड्रेसेस डज दिस रूल अप्लाई टू. अब यहाँ पे जो हम पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं वो एक रिमोट आईपी एड्रेस के लिए कर रहे हैं जो कि है facebook.com का आईपी एड्रेस. सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे facebook.com के आईपी एड्रेसेस. सो facebook.com का आईपी एड्रेस वेरीफाई करने के लिए ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप ns lookup स्पेस facebook.com एंड एंटर. और पिंग कमांड से भी हम facebook.com का आईपी एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं. सो टाइप पिंग स्पेस facebook.com एंड एंटर. और यहाँ पे हम देख सकते हैं facebook.com का IPv4 एड्रेस एज वेल एज IPv6 एड्रेस. तो इन एड्रेसेस को हम कर लेते हैं कॉपी. सो सेलेक्ट IPv4 एड्रेस एंड प्रेस Ctrl+C एंड विच रिमोट IP एड्रेसेस डज दिस रूल अप्लाई टू, सेलेक्ट दीज IP एड्रेसेस एंड क्लिक ऑन ऐड. और यहाँ पे हम facebook.com का IP एड्रेस पेस्ट कर देते हैं. सो Ctrl+V क्लिक ऑन ओके. तो ये Facebook का IP वर्जन 4 एड्रेस यहाँ पे ऐड हो गया है. सिमिलरली हम Facebook के IPv6 एड्रेस को भी ऐड कर देते हैं. सो यहाँ पे हमने Facebook के IPv4 और IPv6 एड्रेसेस ऐड कर दिए हैं. सो नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब यहाँ पे एक्शन विजर्ड आता है जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि जो आईपी एड्रेसेस हमने वहाँ पे ऐड किए हैं उनके लिए हमें क्या एक्शन लेना है. अलाउ द कनेक्शन, अलाउ द कनेक्शन इफ़ इट इज़ सिक्योर एंड ब्लॉक द कनेक्शन. अब क्योंकि हम facebook.com का अपने नेटवर्क में एक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं, सो वी विल गो विथ ब्लॉक द कनेक्शन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. व्हेन डज दिस रूल अप्लाई मीन्स किस नेटवर्क प्रोफाइल के लिए हम इस रूल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक. और आप सर्वर मैनेजर में लोकल सर्वर ऑप्शन से यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम किस नेटवर्क और फायरवॉल प्रोफाइल में कनेक्टेड हैं. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल जो कि है डोमेन प्रोफाइल में. सो यहाँ पे हम तीनों को सेलेक्टेड रखते हैं सो दैट इन केस कभी नेटवर्क प्रोफाइल चेंज होती है तो उसमें भी ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड रहे. सो क्लिक ऑन नेक्स्ट. यहाँ पे हम इस रूल को एक नेम दे देंगे. मैंने यहाँ पे दे दिया है FB ब्लॉक्ड. यहाँ पे अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक. दिस इज जस्ट एन ऑप्शनल फील्ड. सो क्लिक ऑन फिनिश. तो यहाँ पे हमारा FB ब्लॉक्ड नेम से एक आउटबाउंड रूल क्रिएट हो गया है. अगर इस रूल की प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है तो राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़. सी यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, क्लिक ऑन स्कोप. सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एड्रेसेस हमने इस स्कोप में ऐड किए थे. अब इन फ्यूचर अगर हम किन्हीं और वेबसाइट्स को भी ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम यहीं से डायरेक्टली उन वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है। सो अब हम ग्रुप पॉलिसीज़ को अपडेट कर लेते हैं, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज़ होती हैं वो सिस्टम स्टार्टअप पे और उसके बाद हर 90 टू 120 मिनट्स में ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन यूज़र के लॉगिन टाइम और उसके बाद हर 90 टू 120 मिनट्स में अपडेट होती हैं। सो इसको इमीडिएट इफेक्ट में लाने के लिए हम ग्रुप पॉलिसीज़ को मैन्युअली अपडेट करेंगे। सो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, और ग्रुप पॉलिसी अपडेट करने के लिए कमांड होती है gp update /force एंड एंटर। कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड यूज़र पॉलिसी अपडेट हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो अब चलते हैं हम अपने PC1 क्लाइंट सिस्टम पे। सो अब हम एक बार क्लाइंट सिस्टम से भी ग्रुप पॉलिसी अपडेट कर लेते हैं। सो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप gp update /force एंड एंटर। सो ग्रुप पॉलिसी अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ग्रुप पॉलिसी मैन्युअली अपडेट करने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, तो उसके लिए फिर हमें सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे हमारी पॉलिसीज़ अपडेट हो गई हैं। सो अब हम एक बार इस सिस्टम से facebook.com एक्सेस करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं facebook.com वेबसाइट अब इस सिस्टम में एक्सेस नहीं हो रही है। एक बार हम अदर वेबसाइट्स को एक्सेस करके वेरीफाई कर लेते हैं। HPITInfotech.com वेबसाइट एक्सेस हो रही है, RiseData.co.uk भी एक्सेस हो रही है, और facebook.com वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही है, बिकॉज हमने ग्रुप पॉलिसी का यूज करके अपने नेटवर्क में facebook.com वेबसाइट का एक्सेस ब्लॉक किया है। सो अब हम यहाँ पे सेकेंड सिनेरियो देखते हैं, जिसमें हम केवल कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स को अपने नेटवर्क में अलाउ करते हैं एंड बाकी सारी वेबसाइट्स का नेटवर्क में एक्सेस ब्लॉक रहेगा। अब सपोज यहाँ पे हम अपने नेटवर्क में केवल एक वेबसाइट HPITInfotech.com को अलाउ करते हैं और बाकी सारी वेबसाइट्स का एक्सेस हमारे नेटवर्क में ब्लॉक्ड रहेगा। सो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन कर लेते हैं। अब फ़िलहाल मैं इस GPO को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो राइट क्लिक एंड डिलीट। डू यू वांट टू डिलीट दिस लिंक? दिस विल नॉट डिलीट द GPO इटसेल्फ। सो क्लिक ऑन ओके। GPO क्रिएट करने का एडवांटेज है, जब भी हम किसी OU से लिंक्ड GPO को डिलीट करते हैं तो OU से उसका लिंक रिमूव हो जाता है, जबकि GPO हमारा डिलीट नहीं होता है। सो अब वेबसाइट OU के लिए हम एक नया GPO क्रिएट करते हैं। सो राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू GPO। GPO नेम सपोज मैं दे देता हूँ ब्लॉक ऑल एक्सक्लूड HPITInfotech। यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इस GPO में हमने क्या पॉलिसी कॉन्फ़िगर की है। सो क्लिक ऑन ओके। सो राइट क्लिक ऑन दिस GPO एंड एडिट। Under computer configuration, expand policies, Windows settings, security settings and Windows Defender Firewall with advanced security. Click on Windows Defender Firewall with advanced security. अब क्योंकि हमें एक वेबसाइट को छोड़ के बाकी सारी वेबसाइट्स का एक्सेस अपने नेटवर्क में ब्लॉक करना है, सो यहाँ पे राइट पेन में प्रोफाइल ओवरव्यू ऑप्शन में क्लिक ऑन Windows Defender Firewall Properties। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल्स एट्सेट्रा। सो यहाँ पे हम अपनी नेटवर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि हम सर्वर मैनेजर से वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि अभी हमारा यहाँ पे है डोमेन प्रोफाइल में। और अगर आप चाहें तो डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल और पब्लिक प्रोफाइल तीनों में ही ये सेटिंग्स कर सकते हैं, सो दैट अगर कभी नेटवर्क प्रोफाइल चेंज भी होती है तो उन पर भी ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेड रहेंगी। सो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डोमेन प्रोफाइल के लिए, बिकॉज हमारे नेटवर्क सिस्टम्स कनेक्टेड हैं डोमेन प्रोफाइल में। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है स्पेसिफाई बिहेवियर फॉर व्हेन अ कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू इट्स कॉर्पोरेट डोमेन। सो फायरवॉल स्टेट अभी है नॉट कॉन्फिगर्ड, सो इसको हम करेंगे ऑन। सो सेलेक्ट ऑन रिकमेंडेड। इसका मतलब है कि अगर किसी सिस्टम की फायरवॉल ऑफ भी होगी तो जैसे ही वो सिस्टम हमारे डोमेन में ज्वाइन होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी विंडोज़ फायरवॉल ऑन हो जाएगी। इनबाउंड कनेक्शन में अभी है नॉट कॉन्फिगर्ड, सो इसको हम करेंगे ब्लॉक डिफ़ॉल्ट एंड आउटबाउंड कनेक्शन भी अभी है नॉट कॉन्फ़िगर्ड, सो इसको हम यहाँ पे करेंगे ब्लॉक कि हम आउटबाउंड कनेक्शंस को ब्लॉक कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये तीन सेटिंग हम करेंगे। पहला फायरवॉल स्टेट को हम करेंगे ऑन, दूसरा इनबाउंड कनेक्शंस को हम करेंगे ब्लॉक डिफ़ॉल्ट एंड तीसरा आउटबाउंड कनेक्शंस को हम यहाँ पे करेंगे ब्लॉक। नाउ क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। नाउ एक्सपेंड विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी एंड क्लिक ऑन आउटबाउंड रूल्स। सो अब हम यहाँ पे रूल क्रिएट करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमने सारे आउटबाउंड कनेक्शंस को ब्लॉक कर दिया है। सो अब हम यहाँ पे केवल एक वेबसाइट HPITInfotech.com को अलाउ करेंगे। सो उसको अलाउ करने के लिए राइट क्लिक ऑन आउटबाउंड रूल्स, न्यू रूल, रूल टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम, देन नेक्स्ट, प्रोग्राम विजार्ड में क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन नेक्स्ट, पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स। अभी हम किसी भी प्रोटोकॉल और पोर्ट्स के लिए रूल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सो सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट, स्कोप विजार्ड। सो स्कोप एड्रेस में यहाँ पे हम ऐड करेंगे रिमोट आईपी एड्रेस जिसके लिए हम रूल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि होगा HPITInfotech.com का आईपी एड्रेस। सो HPITInfotech.com का आईपी एड्रेस वेरीफाई करने के लिए ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, सो टाइप ns lookup स्पेस HPITInfotech.com एंड एंटर। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं HPIT.com का IP एड्रेस, और चाहें तो हम पिंग कमांड से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो टाइप पिंग स्पेस HPITInfotech.com एंड एंटर। सी तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं HPITInfotech.com का IP एड्रेस। सो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी। सो सेलेक्ट इट, प्रेस Ctrl+C की, एंड विच रिमोट IP addresses does this rule apply to में select these IP addresses, then click on add and paste IP address of HPITInfotech.com, then click on OK. so ये HPITInfotech.com का IP address यहाँ पे add हो गया है। so click on next। action wizard में हमारे सामने option है allow the connection if it is secure and block the connection। अब यहाँ पे हम करेंगे allow the connection बिकॉज इस IP एड्रेस के लिए हम एक्सेस अलाउ कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। प्रोफाइल में हम डिफ़ॉल्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि तीनों प्रोफाइल हमारी सेलेक्टेड हैं। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेम में सपोज मैं दे देता हूँ HPIT, देन क्लिक ऑन फिनिश। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं HPIT नाम से हमारा एक आउटबाउंड रूल क्रिएट हो गया है। सो इस रूल की अगर हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो राइट क्लिक ऑन इट एंड प्रॉपर्टीज़। सी तो यहाँ पर हम इस रूल की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। नाउ क्लोज दिस। सो अब हम एक बार ग्रुप पॉलिसीज़ को अपडेट कर देते हैं। सो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप gp update /force एंड एंटर। ग्रुप पॉलिसी अपडेट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो अब हम एक बार अपने क्लाइंट सिस्टम में लॉग इन करके इस कॉन्फ़िगरेशन और पॉलिसी को वेरीफाई कर लेते हैं। सो पहले क्लाइंट सिस्टम से भी हम ग्रुप पॉलिसीज़ को अपडेट कर लेते हैं। सो पॉलिसीज़ सक्सेसफुली अपडेट हो गई हैं। सो अब हम वेबसाइट्स को एक्सेस करके देख लेते हैं। सो अगर हम ट्राई करें google.com, सी तो देख सकते हैं कि google.com हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है। सो लेट्स ट्राई facebook.com, फेसबुक भी एक्सेस नहीं हो रहा है। नाउ लेट्स ट्राई HPITInfotech.com। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं HPITInfotech.com हमारा एक्सेस हो गया है बिकॉज जो हमने पॉलिसी क्रिएट की थी उसमें हमने इस वेबसाइट को अलाउ किया था। सो ऐसे हम ग्रुप पॉलिसी और विंडोज़ फायरवॉल का यूज़ करके अपने नेटवर्क में वेबसाइट के एक्सेस को अलाउ और ब्लॉक कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।